बड़ी हैरत की बात है कि इतने दुश्मन आपके बाहर नहीं है जितने आपके खुद के घर के अंदर हैं। अगर जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा संकुचित होके बहुत ज़्यादा एक दूसरे को निभाना पड़ रहा है, इसकी कमियाँ उसकी कमियाँ, वो आपसे इतनी दुश्मनी के आपकी जान तक बनाए कि भाई जान ले लें इसकी, इतनी दुश्मनी क्यों है ये? क्यों मैक्सिमम घरों के अंदर इतना अलगाव की स्थिति है कि ये खाना अलग बनाएगा, ये खाना अलग बनाएगा, हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें इनके साथ नहीं रहना। एक भाई जो नौ नौ महीने तक उसी कोख में रहे हैं जिससे दूसरा भाई रहा है, बाहर इस समाज के अंदर वो आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं कि एक दूसरे को आंख भर तक वो नहीं देखते, अपना भाई कहने तक शर्म आती है। आप इस काम का फायदा या मजा मत लीजिए, समाज में बेइज्जती होती है आपकी, हंसी मजाक के पात्र बन चुके हो आप कि भैया इनके घर में ऐसी स्थिति है, एक दूसरे की लड़ाइयाँ होती हैं जमीन के ऊपर, काम के ऊपर, एक भाई का काम अच्छा चल रहा है, एक का नहीं चल रहा है, सपोर्ट करने की बजाय दुनिया की सुन करके उसे ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ है। अरे पता लगाओ स्थिति कि ये ऐसा है क्यों। वास्तु में जरा भी विश्वास रखते हैं तो हमारी दो बातें ध्यान से सुन लीजिएगा, स्थिति मैच होगी तो उसे चेंज जरूर कर लेना, चेंज लाइफ ना हुई तो हमें दिए गए नंबर पर फोन करके बता देना कि ऐसा नहीं हुआ। आप स्थिति मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे घर के खुशी ना होने के पतन का कारण ये वजह है, वो क्या है। अब ध्यान से सुनिए, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए दिशाओं की। वैसे तो तीन से चार कारण है घर के अंदर इतना द्वेष होने की, ईर्ष्या होने की और झगड़ा होने की, लेकिन जिन घर की रसोई, जिन घर का चूल्हा दक्षिण पश्चिम के कोने में चल रहा है, घर को चार हिस्सों में बांटिए, अंग्रेजी वास्तु की तरह 16 दिशाओं 32 दिशाओं में बिल्कुल मत चाहिए, आप चार हिस्सों में अपने घर को बांटिए, अग्नि, ईशान, नैऋत्य और वायु। जिनके घरों में नैऋत्य कोने के अंदर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में रसोई चल रही है, उस घर के अंदर चूल्हे अलग हो चुके हैं, हो रहे हैं, नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं, स्थिति आप मैच करिएगा। जिन घरों में वहाँ पे चूल्हे चल रहे हैं, वहाँ पे खड़े होकर खाना बनाने वाली औरतों के ऑपरेशन हो चुके हैं, वो बीमार हैं, पीठ का हिस्सा उनका बेहिसाब दर्द करता है, तकलीफ में है, और वो तकलीफ आप जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि आपके चेहरे पे वो दर्द ही नहीं दिखता, आपके चेहरे पे वो दर्द ही नहीं आता, आप बयां ही नहीं कर सकते, आपका रंग साफ हो सकता है, आप हष्ट पुष्ट दिख सकते हैं, लेकिन पीड़ा आपके शरीर में बेहिसाब है जो कोई नहीं देख पाएगा, जो कुछ नहीं दिख पाए, और दोष आपका रिपोर्ट्स डायग्नोज भी ना हो पाए, ब्लड टेस्ट में भी ना आए, वो नैऋत्य कोण के दोष होते हैं होते हैं होते हैं। अभी बात चल रही है कि द्वेष भावना, लड़ाई झगड़े, चूल्हे अलग हो जाना, जॉइंट फैमिली डिवाइड हो जाना, बट जाना, बिजनेस बट जाना, जमीनी विवाद नैऋत्य की किचन से आता है, तो इसे ठीक कर लीजिए। इसकी खुद की जगह दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट अग्नि कोण, वहाँ पर आप इसे लेकर के जाइए, वो इसकी अपनी जगह है। लेकर के कहाँ जानी है, कैसे जानी है, वो तो हम आपको बताएंगे, पर्सनलाइज्ड भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साउथ वेस्ट में किचन होगी तो घर के अंदर द्वेष भावना और ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ की लेडीज बेकार हो जाएंगी, उन्हें बीमारियाँ घेर लेगी और गहरी बीमारी, ऑपरेशन 100% होगा। फिर दूसरी बात आती है कि वहीं पर जो लेडी उस घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ में सो रही है, वो घर के तनाव का कारण 100% बनेगी। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन ठोक करके गारंटी है, वहाँ पे अगर किचन चल रही है और नॉर्थ वेस्ट एरिया में नॉर्थ में अगर कोई बहू सो रही है, या किचन ग्राउंड फ्लोर पे चल रही है और फर्स्ट फ्लोर पे वही बहू वहीं पे सो रही है, वो उस घर के पतन का, नुकसान का, द्वेष का, लड़ाई का कारण बनेगी, 100% बनेगी। तो इस स्थिति को ठीक कर लिया जाए। आप इधर उधर घूमते हैं, रिश्तेदार आपके घर इकट्ठे होते हैं, आप अपनी बेइज्जती कराते हैं, सलग कुछ नहीं कराते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या उपाय करते हैं, कुंडलियाँ दिखाते फिरते हैं, कुछ नहीं करना है, चूल्हा हटा दीजिए वहाँ से। स्थिति अगर मैच हो गई हो तो जरा भी देर लगनी नहीं चाहिए काम के अंदर, तुरंत हटा दीजिए, 20 दिन के अंदर रिजल्ट देख लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हम तो सक्षम ही नहीं है इस काम को करने में। पहली बात यह है कि करना जरूर पड़ेगा, करना जरूर पड़ेगा, और पर्सनलाइज्ड उपाय होते हैं इसके अंदर, सभी के लिए सेम दवा सेम उपाय नहीं है। उपाय को तो हम नाम भी नहीं लेने देते, कल्याण वास्तु इंडिया के अंदर वन एंड ओनली ऐसी संस्था है जहाँ पे रेमेडी के माध्यम से, उपायों के माध्यम से
किसी को ना बहलाया जाता है ना फुसलाया जाता है। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस चेक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस चेक करिए, बिल्कुल गारंटेड ठोक कर बिल्कुल बात की जाती है क्लियर शब्दों में, ना टाइम वेस्ट करना खुद का भी और आपका भी। अब ये तो एकमात्र वो सिम्टम बताया है जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी वजह बन चुका है, बहुत बड़ी वजह। ऐसे 2 से 3 चीज़ें और भी हैं घर के नॉर्थ वेस्ट में लेटना या उसी किचन के ऊपर, जैसे भी आपको बताया कि वो लेडी अगर लेटेगी, और लेडीज़ को इसलिए इसमें थोड़ा टारगेट किया गया है कि मैक्सिमम टाइम जेंट्स घर में रहते ही नहीं हैं, और आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, आप गलती के पात्र नहीं हो। अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो वो एक दूसरे की गलती अगर निकालोगे तो कभी भी स्थिति को ठीक नहीं कर पाओगे। ये ठीक तब होगा जब आप मजबूरी या दिक्कत समझोगे, अच्छा इस वजह से हमारे घर के अंदर दिक्कत है, उसे क्योर करोगे। परिवार अगर ज्वाइंट ना हो गया, जैसे ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, तो नाम बदल देना आप, करके देखिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बताते वक्त थोड़ा गुस्से में इसलिए आ जाते हैं कि लोग बाग इधर उधर बहुत फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सही डिसीजन पे सही सलाह पे जा ही नहीं पाते हैं। आप एक बार यूज करें, इस्तेमाल करें, और टेम्परेरी भी आप करके देख सकते हैं, 20 दिन में खुद पता लग जाता है, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी प्रकार के कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे, दोष बताएंगे जो कि पूरी इंडिया के अंदर कोई भी नहीं बता रहा है। राम राम।